आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में, देखे और सीखे नीटिंग चैनल में। तो देखिए, मैं आज लड्डू गोपाल के लिए ये छोटे छोटे से जूते लेके आई हूँ, क्योंकि कितना प्यारा है। और साथ में मैंने बो भी लगाया हुआ है, यानी बोटाई लगाया हुआ है, तो देख सकते हैं। और ऊपर में मैंने ये फ्लावर डिज़ाइन देखिए इसे बनाया। अगर आप इसे ना चाहें तो सिंपल ही बना सकते हैं, सिर्फ डबल क्रोशिया देखिए, तो मैंने ये दे दिया ताकि खूबसूरत लगे देखने में। तो ये आपके 5 या 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए है। आप इसमें 1-2 डबल क्रोशिया की और बढ़ा दें और 1-2 चेन और, तो आपके 7 नंबर लड्डू गोपाल को भी आ जाएगा, यानी 5, 6 और 7 लड्डू गोपाल को आ जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं हम इसे, कि किस तरह से बनेगी। तो क्रोशिया नंबर यहाँ पे हम 12 लेंगे और 4 प्लाई ऊन लेंगे हम। देखिए, सबसे पहले तो गांठ लगा लेंगे हम यहाँ पे। गांठ लगाने के बाद हम 9 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 9 चेन हमने बनाया। 9 चेन बनाने के बाद देखिए, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3 चेन पे छोड़ के 1, 2, 3 चेन छोड़ देंगे। फोर्थ चेन पे डालते हैं, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये चेन है, इसे भी हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे हम। और 1 डबल क्रोशिया हमने ये बनाया, 2 हो गया। उसके बगल वाली सेल पे डालेंगे चेन पे, ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। उसके अगली वाले में डालेंगे, 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर उसके अगली वाली चेन पे डालेंगे, 5 डबल क्रोशिया हो गया। फिर उसके अगली वाली चेन में डालेंगे, 6 डबल क्रोशिया हो गया। फिर उस लास्ट वाली चेन पे डालेंगे यहाँ पे, और ये टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गया। टोटल हमने 7 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट किया हुआ है। अब देखिए, जिसमें हमने 7वां वाला बनाया, तो इसी चेन में डालते हुए और 5 डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे। जिस चेन में हमने लास्ट वाला बनाया हुआ है, ये वाली, उसी के नीचे वाली जो दिख रही है इस गैप में, 5 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, यहाँ से डालते हुए नीचे की साइड से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक ही चेन में से बना रहे हैं, ये 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। टोटल 5 डबल क्रोशिया हमने बनाया इसमें। जो हमने 7वीं चेन हमने बनाया था, 7वां डबल क्रोशिया, उसी चेन में डालते 5 डबल क्रोशिया और हमने बनाया, तो टोटल हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए, इधर नीचे से घूमते हुए हम जाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम क्रोशिया पे धागे लिए। अब देखिए जी, ये डबल क्रोशिया दिख रही है ये वाली, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे डालेंगे साइड में 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे डालेंगे 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। अलग अलग चेन में डालते हुए बना रहे हैं, ये 5 डबल क्रोशिया और जो 6ठी वाली डबल क्रोशिया है, एक ही साथ में 2 दिख रहे हैं आपको, एक चेन और 1 डबल क्रोशिया, तो चेन भी हमें काउंट करना है। तो उससे पहले जो डबल क्रोशिया आएगी, उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। अब जो हमने चेन बनाई है, 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे वहाँ पे ऊपर चेन में जाके इसे जोड़ लेंगे हम इस तरह से। अब जोड़ने के बाद देखिए, ये क्या करेंगे, ये कटोरा जैसा बन गया, इसे हम ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 3 चेन ले लेंगे, 1, 2 और ये 3। अब जितनी भी चेन दिख रही है हमें, आधे में हमें बनाना है, इस भाग पे बनाएंगे, इधर में नहीं बनाएंगे हम, तो डबल क्रोशिया बनाएंगे। आधे हिस्से में बनाना है हमें, जो अंदर की साइड है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गया, यहाँ पे डालेंगे, ये 2 हो गया,
तीन, चार और यहाँ डालेंगे आधे चेन में ही बनाना है आपको, चार और ये पांच हो गया। अब देखिए एक ही चेन में से हमने जो छह डबल क्रोशिया बनाया हुआ था, एक दो तीन चार पाँच छः, देख सकते हैं यहाँ से है, एक दो तीन चार पाँच, एक हो गया दो तीन चार पाँच छः, हाँ पाँच छः जो हमने बनाया है। अब देखिए इन छः को हमें तीन बनाना है, तो किस तरह से करेंगे, पहला डबल क्रोशिया पे लेंगे हम, इस तरह से आधे चेन में ही बनाना है हमें, डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन पूरा नहीं बनाएंगे हम, ये धागा थोड़ा सा फंस रहा है, इस तरह से लिया हमने। अब दो फंदों का एक कर देंगे लेकिन फंदे जो धागा है इसी में रहने देंगे हम, चेन जो है एक हो गया, फिर अगली वाली चेन में डालेंगे हम, यहाँ भी इस तरह से बना लेंगे डबल क्रोशिया लेकिन क्रोशिया पे ही रहने देंगे। अब इन तीन फंदों को एक साथ निकाल देंगे हम, तो देखिए दो फंदों का मैंने एक फंदा बना लिया यहाँ पे। अब इसे और इसे बनाना है एक, तो देखिए किस तरह से यहाँ पे डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे लेकिन पूरा नहीं करेंगे, फंदे क्रोशिया पे ही रहने देंगे, फिर अगले वाली चेन पे डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन पूरा फंदे को नहीं गिराना है, क्रोशिया पे ही रखना है, सभी को एक साथ निकाल लेंगे हम। ये दो चार फंदों का हमने दो फंदा बना लिया, फिर देखिए ये पाँचवा वाला जो फंदा है इसे इस तरह से लेंगे, आधा बनाएंगे, फिर जो छठी वाली डबल क्रोशिया है इसे भी हम इस तरह से लेंगे हम और आधा बनाएंगे। अब देखिए इन फंदों को इस तरह से बंद कर देंगे, तो ये हमारे छह फंदे थे, छह फंदे में से तीन फंदे हो गए। अब जो भी हमारे पास इधर दिख रही है सभी में से एक एक डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करेंगे हम, एक दो यहाँ पे डालेंगे, तीन चार पाँच छः और ये सात, उधर भी हमने सात बनाया हुआ था, इधर भी हमने सात बनाया, इस तरह से सात डबल क्रोशिया बन गया। अब जो चेन बनाई थी हमने सबसे ऊपर वाली चेन पे जाके हम इसे जॉइंट कर देंगे, एक दो और यहाँ पे हम ऊपर में जाके इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, तो देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शेप आई है जूते की। आप चाहें तो आउटलाइन में कोई भी कलर दे सकते हैं या नहीं तो फिर आप इसी कलर से एक लाइन का बॉर्डर बना दें आप, या तो फिर आप इसी तरह से भी रहने दे सकते हैं, तो कितना प्यारा सा लग रहा है देख सकते हैं आप। अगर आपको दूसरा लाइन बनाना है तो यहाँ से धागे को कट कर देंगे और अलग कलर लेते हुए इसकी बुनाई करेंगे, तो चलिए अलग कलर से भी दिखा देते हैं आपको। तो देखिए अब हम यहाँ पे कलर तो ले रहे हैं लेकिन फोर प्लाई ना लेते हुए हम यहाँ पे थ्री प्लाई पतली वाली ले रहे हैं, तो देख सकते हैं एकदम पतली वाली है, जब इसे खोलेंगे तो तीन तार दिखेगी, तो तीन तार दिखने का मतलब है ये थ्री प्लाई है। तब इसे कहीं से भी हम जॉइंट कर लेंगे इसे और एक लाइन सिंगल क्रोशिया एक बना लेंगे। अगर ये भी बनाना चाहते हैं ये झालर जैसा, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनेगी। तो सबसे पहले तो सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इसे पूरा कर लेंगे, किसी भी चेन पर डालेंगे हम इस तरह से, इसी चेन पर डालेंगे, इसे इसी जहाँ से हमने चेन को बांधा इसी जगह पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब पूरी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हैं हम काउंट कर ले पूरा बना लेते हैं सॉरी, उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ कि झालर टाइप का डिज़ाइन जो मैंने बनाया है वो किस तरह से बनाया हुआ था। चलिए पूरा राउंड सिंगल क्रोशिया कम्प्लीट कर लेते हैं। अब इसे हम सबसे फर्स्ट वाली चेन पर डालते हुए इसे इस तरह से स्लिप करते हुए ज्वाइंट कर लेंगे, पहली चेन से डालते हुए दूसरे चेन से निकाल देंगे, तो कुछ इस तरह से हमारी ये बन जाएगी कि आगे का भाग है और ये पीछे का भाग है। अब देखिए ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है एक इस तरह से हमने बनाया है वो देख लीजिए, इसी जगह पे हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन। अब अगला जो चेन दिख रहा है
जहाँ से हमने बनाया यहीं पे डाल लेंगे हम, और एक सिंगल क्रोशिया से बांध देंगे। फिर एक दो और ये तीन, तीन चेन बनाया हमने। फिर जो अगली वाली इसकी जो दिख रही है चेन, यहाँ पे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे। इस तरह से किया हमने, अब देख सकते हैं दो फंदे हैं क्रोशिया पे, एक और ये दो, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से तीन चेन लेंगे, एक दो और ये तीन, फिर अगली वाली चेन में डालेंगे यहाँ पे और इसे इस तरह से बांध लेना है। फिर एक दो तीन, पूरा राउंड इसी तरह से हम करेंगे। हर एक चेन पे डालते हुए तीन तीन डबल क्रोश, तीन चेन लेते हुए इसे जोड़ लेना है हमें। फिर लेंगे एक दो और ये तीन, फिर अगली चेन में डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे। तो चलिए इसी तरह से करते हैं, पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। फिर बनने के बाद देखिए इस कलर में कैसा लगता है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा, कितना प्यारा सा लग रहा है। अगर आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इस तरह से भी देख लें और पीछे साइड से भी बहुत ही खूबसूरत सा जूते का लुक आता है, देख सकते हैं इधर से। और कान्हा जी की किस तरह की आपको वीडियो देखनी है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर बनाऊँगी उसे। तो देखिए तो चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आप सबके लिए। थैंक यू।